wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. Hello. एंड यू आर वॉचिंग द ट्राई क्यूट्रा. तो आज आया है राजे लखुजी राव जादव इनकी समाधि पर. और यहाँ पर क्या क्या है हमें देखना है, यहाँ पर घूमना है. तो चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या है. चलो, चलो, चलो. चलते हैं, मिलते हैं आगे वीडियो में. तो मेरे पीछे देख सकते हो ये है राजे लखुजी राव जाधव इनकी समाधि. और यहाँ पर अभी हम आए हैं और हमने यहाँ पर सबसे पहले जो देखा है वो सीन ऐसा है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजे लखुजी राव जाधव यांची समाधि. और इसका बांध काम का डिटेल लिखा हुआ है 1630 से लेकर 1640 के बीच में ये बनाया गया था. 10 साल लगे थे इसे बनाने के लिए. और 10 साल में इस स्मारक का काम हुआ था. और इसकी जो कार्विंग्स है, मुझे तो लगता है उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत कम टाइम लगा होगा, क्योंकि इस पर हर जगह से, हर साइड से, हर कॉर्नर पर कार्विंग्स है. देख सकते हो स्टोन कार्विंग, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, महंगी होती थी उस टाइम. आज के दौर में भी मुश्किल है स्टोन कार्विंग, और इतनी प्रिसीजन के साथ तो इम्पॉसिबल है कई मायनों में. इस पर हर तरफ से, हर एक कोने पर कार्विंग है ना जलील? हाँ. अभी हमने गौर किया, हम पूरा गोल घूम रहे थे यहाँ पर. हर एक स्टोन पे अलग अलग डिज़ाइन है. ऊपर की साइड में देख सकते हो कार्विंग. और यहाँ पर भी इस साइड में भी. तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि चारों साइड से घूमते हैं इस स्मारक के और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है. जैसे कि देख सकते हो ये इस पर हर साइड से स्टोन कार्विंग है. यहाँ पर भी इधर से एक दरवाजा है. इस साइड में भी जलील बता रहा है अपने को, यहाँ पर एक दरवाजा है. ये दरवाजा, 3 दरवाजे हैं टोटल, इसमें से ये एक है. जो मेन दरवाजा है वो सामने है, और 2 दरवाजे एक साइड उधर साइड, इधर की साइड से और इधर की साइड से. दोनों साइड में 2 दरवाजे हैं, एक इस साइड में है, एक उस साइड में है, और एक मेन एंट्रेंस के लिए एक है. और ये देख सकते हो कॉर्नर्स पर भी बहुत अच्छी कार्विंग है, काफी अच्छी कार्विंग है. बगैर सीमेंट के कैसे लगाया होगा तो वो उनको ही मालूम है, वो लोगों को. एक के ऊपर एक रखे हुए दिखते. ये देखो, ये चून कलर होती है इस साइड में. आगे अपन अभी एक और एक कॉर्नर पर, यहाँ पर इसमें दिख नहीं रहा अभी, एक और एक दरवाजा दिखा अभी अरबाज को. ये दरवाजा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अपने को पढ़ने नहीं आएगा. इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का नुकसान. इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है ना तू? हाँ. चुप रहे, इंग्लिश मीडियम कहाँ है, सिंकेट आ जाए. पढ़ना नहीं आता अरबाज को हमारे. आता नहीं तो आंगन टेढ़ा है. अलग तरह ही लिखा हुआ है यार वो, पढ़ना नहीं आता, थोड़ा अलग लिखा हुआ है. मतलब जो एक्सपर्ट है संस्कृत में, जो एक्सपर्ट है उनको ही आता है पढ़ना हो. और ये आ गए अपन फिर से यहाँ पर. तो चलो अभी अंदर चलते हैं, अंदर का देखते हैं अपन सबसे पहले. तो हम आ गए हैं अंदर अभी. और यहाँ पर काफ़ी इको है, तो हो सकता है साउंड अच्छा ना आए वीडियो में. और जैसे कि देख सकते हो ये है राजे लखुजी राव जादव इनकी समाधि अंदर.
और चारों कॉर्नर्स पर यहाँ पर जल्दी लेकर आओ, टॉर्च लगाओ। चारों कॉर्नर पर यहाँ पर और चार समाधि हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दत्ता जी राव। फिर अपन थोड़ा आगे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और एक समाधि है अश्लू जी राव, इनकी समाधि है यहाँ पर। और इस कॉर्नर में, कॉर्नर में जाने के बाद मंदिरा है, यहाँ पर एक और एक समाधि है। यहाँ पर लिखा हुआ है राघव जी राव जाधव। जा इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है यशवंत राव। तो ऐसे कुल पांच समाधियां हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो है फोकस, अभी यहाँ पर लो लाइट है तो फोकस करने में तकलीफ हो रही है थोड़ी। यहाँ पर है राजे लखुजी राव जाधव, इनकी समाधि बीच में। अभी हमने अंदर देखा नहीं है जाकर, अभी हम अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर शूट करना पॉसिबल है या नहीं, और फिर देखेंगे अंदर लेना है या फिर ऊपर जाना है। तो चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो अंधेरा होने की वजह से हम अंदर नहीं गए, वहाँ पर जाकर हमने शूट नहीं किया, वहाँ पर शूट भी नहीं होगा अंधेरे में। अभी मैं मैक्सिमम एपर्चर और मैक्सिमम शटर स्पीड जो पॉसिबल है, जिसमें एक्सपोजर सही आ रहा है, मैं वो रखकर शूट कर रहा हूँ, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अंदर का शूट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि ऑडियंस के लिए रखते हैं, जो भी यहाँ पर आएगा उनका खुद का एक्सपीरियंस हमें उन्हें लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वीडियो में मज़ा नहीं आएगा देखने में। अंदर काफ़ी कार्विंग है अच्छी, और चारों कॉर्नर पर चार और समाधियाँ हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी सब वॉल पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आओ और यहाँ पे पर्सनली देखो कैसा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मिलते हैं आगे, अभी अपने को ऊपर जाना है, ऊपर जाते हैं और मिलते हैं ऊपर। हमारा बैड लक ऐसा हुआ कि ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है और उस साइड में रास्ता ब्लॉक है, तो ऊपर तो जाना पॉसिबल नहीं है। मे बी ये ब्लॉक काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर जाना था और ये जो कार्विंग्स वगैरह है वो दिखाना था, लेकिन अंधेरे की वजह से और डोर लॉक होने की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। चलो आ गया। अभी यहाँ पर जो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चले गए थे इससे पहले, यहाँ पर देखो कार्विंग्स है ऊपर, और मठ भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डोम है, जो गुंबद है, वो ऊपर की साइड में है, इसलिए इसे मठ बोलते हैं। यहाँ पर अंधेरा है जैसे कि मैंने पहले बोला, तो आगे अपन जा नहीं सकते, वीडियो में कुछ आएंगे नहीं, ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं सकते अंधेरे की वजह से। तो जो भी पॉसिबल होता है वो आगे देखो, हमने जो भी रिकॉर्ड किया है। तो मिलते हैं बाहर, यहाँ का सीन कैप्चर करने के बाद। तो अभी हम अंदर से बाहर आए, अंधेरा होने की वजह से हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए वहाँ पर, और जो ऊपर जाना था हमें वहाँ भी जाना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, अभी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, क्योंकि ऊपर शायद काम चालू है। यहाँ पर देख सकते हो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको रेस्टोरेशन का काम चालू है। और जो मेरे आसपास जो अभी दिख रहे हैं, ये समाधि है बहुत सारी है यहाँ पर, इस साइड में है दो, कुछ इस साइड में है जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया है। तो ये था छोटा सा व्लॉग हमारा राजे लखुजी राव जाधव, इनकी समाधि के ऊपर। और यहाँ पर हमने घूमे, हम काफ़ी एंजॉय किया हमने, और वीडियो कैसा लगा बताना हमें, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतनी कमेंट करो, और सपोर्ट और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है भाई आप लोगों का, इन दोनों ने जो भी बोला वो सब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सपोर्ट जरूरी है, बाय।